देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ और ये वीडियो शायद मेरे दिल के सबसे करीब है। आज तक मैंने कभी आपको किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये वीडियो आपको हर एक एस्पिरेंट के साथ में शेयर करना चाहिए। एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, चाहे वो नीट, जेई, यूपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर होता है। और स्ट्रेस उसी को होता है जिसको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता हो। एक बहुत सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूँ जिससे आपका स्ट्रेस दूर होगा, आपका मूड एलिवेट होगा, आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपके स्किन के ऊपर ग्लो होगा, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, आँखों में दर्द नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, हर एक वो चीज़ इम्प्रूव होगी जो आपको एक बहुत बेटर स्टूडेंट बनाती है। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सिंपली हर 1.5 से 2 घंटे में अपने राइट नोस्ट्रिल को, जो आपका दाया नथुना होता है राइट नोस्ट्रिल, उसको बंद करना है और लेफ्ट से सांस खींचते हुए दाएं से छोड़ना है। दाएं को पहले बंद रखना है, बाएं से खींचना है और फिर दाएं से छोड़ देना है, कुछ ऐसे। इस प्राणायाम प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। इससे आपका पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है, फोकस, कंसंट्रेशन, मन की मजबूती, ताकत, ब्रेन की स्टेमिना, पावर, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है। आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ करने को कहें ताकि वो भी रिलैक्स रहें, क्योंकि आपके साथ स्ट्रेस उन्हें भी हो रहा होगा। आप ये प्रैक्टिस जब आप सोने के लिए जाते हैं उस वक्त भी आप कर सकते हैं। जब आप सोने जा रहे हैं तो आप सिंपली राइट नोस्ट्रिल को बंद करके छोड़ दें, आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी नींद आएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ेगी। 3 घंटे की नींद 8 घंटे के, 10 घंटे के बराबर होगी। जब आप उठेंगे सुबह तो आप सुपर फ्रेश उठेंगे। इस चीज़ को आप करिए, ये अमेजिंग है। मैं इसे करता हूँ और तब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में किसी बच्चे को स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, सुसाइड जैसे इंसिडेंट में सुनो, तो हर एक बच्चे तक प्लीज़ इसे पहुँचाएँ और इसकी प्रैक्टिस करें। और जिन बच्चों ने इसको यूज़ किया है वो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि उनको इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ, ताकि और ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को करने को मोटिवेट हों। पेरेंट्स हों, बच्चे हों, सभी लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। इससे आप फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका डाउन होता है और पैरा सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, जो आपको सुकून से भरा रखता है, आपको वॉरियर बनाता है। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि वॉरियर वही होता है जो शांत होता है, सबसे तेज तलवार उसी की चलती है युद्ध के मैदान में, जो शांत होता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इसकी वजह से आप 100 गुना तेज़ी से सीख पाएंगे और भूलेंगे नहीं, आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट में बढ़ जाएगी, सिली मिस्टेक आपसे कम होगी। तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें एंड यू विल सी द मिरेकल इन योर लाइफ। चमत्कारिक चीज़ है ये, हर एक केस में इसको लगातार, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, चाहे आप जेई, नीट, यूपीएससी, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली इसको करना है। थैंक यू सो मच। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस, जो मैं चंद्रभेदी प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपको 7 मिनट करनी है, 7 मिनट्स। डोंट कन्फ्यूज विद अनुलोम विलोम, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अनुलोम विलोम, इस बात को ध्यान रखना है। और आप पूरे दिन अगर नहीं कर पाते हैं, 7 मिनट हर 1.5 से 2 घंटे, जब आपको लग रहा है थकान हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तब आपको काम करना है। और लग रहा है कि यार मैं पूरे दिन नहीं कर पाया तो क्या करूं, तो आप रात को जब बेड पे जा रहे हैं तो राइट नोस्टल बंद कर लें, सिर बंद कर लें और सो जाएं। आपको इमीजिएटली नींद आएगी और वो नींद आपके लिए 10 घंटे की नींद के बराबर होगी, अगर आप 3 घंटे भी सो रहे हैं तो भी। और इससे आपकी मेमोरी एक एक्सट्रीम लेवल पर बूस्ट हो जाएगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करें और सबसे शेयर करें।